To get free video lectures for ECE Gate 2018, subscribe Engineering and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन के बारे में। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया था, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होगा। उस क्वेश्चन में आपके जो डिफरेंशियल कोफिशियंट्स हैं वो होंगे डी एक्स डी वाई या डी वाई बाई डी एक्स। इस टाइप के जो टर्म है डिफरेंशियल कोफिशियंट, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे और उसका हमें सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स होती हैं। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट वीडियो में जो उसका ओवरव्यू देखा था, वो सारी मेथड हम यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बारे में। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आपका जो डिफरेंशियल कोफिशियंट होंगे उनको आप सेपरेट करके उनका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देखते हैं। मान के चलिए ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसमें हमें इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो इसको आप देख सकते हैं जो इसके वेरिएबल हैं डी वाई ये डी एक्स है, ये वन प्लस वाई स्क्वायर है, वन प्लस एक्स स्क्वायर है। इसको आप किस तरीके से यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला जो y का टर्म है ये आप यहाँ पे ला सकते हैं और dx आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेपरेट हो जाएगी आपकी y और x के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका dy वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगी आपकी माइनस डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये पूरे y के जो वेरिएबल हैं ये एक साइड आपने सेपरेट किए हैं पूरे, और ये जो x के वेरिएबल हैं ये दूसरी साइड आपने सेपरेट किए हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है साइन इनवर्स हाइपरबोलिक ऑफ x। ये फॉर्मूले हमने जब इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वहाँ पर देखे थे, तो आप इन फॉर्मूलेज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स हाइपरबोलिक ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, जो कि आपका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी डिफरेंशियल कोफिशियंट नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड से रिलेटेड हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के ऑब्जर्व करना है कि डी वाई और डी एक्स के कोफिशेंट आप सेपरेट यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं। तो इसको आप लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू e टू दी पावर x प्लस वाई है, तो इसको आप लिख सकते हैं e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर y, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन में आपका बेस सेम होता है तो उनकी जो पावर होती है उनका एडिशन हो जाता है। तो e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर y आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप देख सकते हैं जो वाई के कोफिशियंट हैं वो एक साइड सेपरेट हो गए हैं और जो एक्स के कोफिशियंट हैं वो दूसरी साइड सेपरेट हो गए हैं। इसको हम और सॉल्व करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। आप इनको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉन्स्टेंट सी, और ई टू दी पावर जो माइनस वाई है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स का हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी।
इसको आप लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस वाई प्लस e टू दी पावर एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और अगर इसको आप और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन e टू दी पावर वाई प्लस e टू दी पावर एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसको जब आपने और सॉल्व किया तो ये हो जाएगा e टू दी पावर वाई 1 प्लस e टू दी पावर एक्स इंटू e टू दी पावर वाई प्लस सी ई टू दी पावर वाई इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस e टू दी पावर एक्स इंटू e टू दी पावर वाई को आप लिख सकते हैं e टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस सी ई टू दी पावर वाई इक्वल्स टू जीरो। तो ये भी आपका एक सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy और dx के फॉर्म में, इसके हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट किए हैं इस तरीके से। तो ये हुई आपकी वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद हम दूसरी मेथड डिस्कस करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो गिवन है आपको, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो इसको आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि इसमें एक्स और वाई के कोफिशियंट को आप किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें हम यूज करते हैं इसके डिफरेंशियल कोफिशियंट को सेपरेट करने की। तो ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स टेन वाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका माइनस वन प्लस e टू द पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब ये डी एक्स है और ये डी वाई है, तो यहाँ पे हम डी एक्स के कोफिशियंट लेफ्ट साइड सेपरेट करेंगे और डी वाई के कोफिशियंट वाई साइड। तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई जो वन प्लस e टू दी पावर एक्स है, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे इक्वल्स टू जो y के कोफिशियंट है वो हो जाएंगे आपके sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। तो ये आप देख सकते हैं जो x के कोफिशियंट थे वो हमने लेफ्ट साइड सेपरेट किए हैं और y के कोफिशियंट राइट साइड सेपरेट किए हैं। तो इसका जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x का आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका हमने जब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो एक फार्मूला देखा था, अगर आपका कोई फंक्शन इस तरीके से है इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में है f डैस ऑफ x डिवाइडेड बाई नीचे कोई फंक्शन है और इसका हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log f ऑफ x। ये आप देख सकते हैं जब हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिस्कस किए थे वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। सिंपल इस फॉर्मूले में ये है कि डिनोमिनेटर में जो आपका फंक्शन है अगर उसका डिफरेंशिएशन आपको न्यूमरेटर में गिवन है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log f x, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx को आप क्या लिख सकते हैं log f। तो इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस e टू दी पावर x गिवन है तो, और न्यूमरेटर में आपका e टू दी पावर x है, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x। तो सिंपल ये आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x यहाँ पे है 1 प्लस e टू दी पावर x इक्वल्स टू, तो tan y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर y। तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x और उसका डिफरेंशिएशन हमें न्यूमरेटर में गिवन है। तो इस फॉर्मूले से हम सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं log tan y प्लस कांस्टेंट को हम और इजी बनाने के लिए log के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log c, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन था आपका ये वाला माइनस साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस log tan y। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस e टू दी पावर x इक्वल्स टू log m माइनस log n के फॉर्म में ये फॉर्मूला आपके पास है, तो log m माइनस log n को आप लिख सकते हैं log m डिवाइडेड बाय n। तो इसको आप लिख सकते हैं log c डिवाइडेड बाय tan y। तो इसमें दोनों साइड से जब आप log को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर x इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय tan y। इसको आप लिख सकते हैं tan y इंटू 1 प्लस e टू दी पावर x इक्वल्स टू c। ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये मेथड हुई आपकी वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम देखेंगे
होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।